भारत के गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर उनके बेटे जय शाह, दोनों हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। अमित शाह अपने राजनीतिक फैसलों को लेकर, तो वहीं जय शाह बीसीसीआई के बड़े पद पर होने के नाते कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष बाप बेटे पर हमलावर रहता है। और उसका एक ही सवाल होता है कि बीसीसीआई तक जय शाह की काबिलियत के दम पर पहुंचे तो आज उन लोगों को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि अब अमित शाह के लड़के ने पूरी दुनिया में परचम लहरा दिया है और बीसीसीआई के बाद आईसीसी में भी अपना लोहा मनवाया है। बता दें, जय शाह को आईसीसी की सबसे महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समिति सभी बड़े वित्तीय नीतिगत फैसले करती है, जिसके बाद आईसीसी बोर्ड इन्हें मंजूरी देता है। वित्त एवं वाणिज्य मामलों की समिति का प्रमुख हमेशा आईसीसी बोर्ड सदस्य होता है और शाह का चुने जाना स्पष्ट करता है कि वो आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे बीसीसीआई की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं सबसे दिलचस्प ये रहा कि जय शाह के लिए सभी ने सपोर्ट किया और उन्हें आईसीसी के इस बड़े पद तक पहुंचाया। खबरों के अनुसार हर सदस्य ने जय शाह को फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी के प्रमुख के तौर पर स्वीकार कर लिया। आईसीसी चेयरमैन के अलावा ये समान रूप से ताकतवर उप समिति है। इस समिति के काम में सदस्य देशों के बीच राजस्व साझा करना शामिल है। जय शाह के इस पद पर पहुंचने के साथ ही भारत और बीसीसीआई की ताकत निश्चित रूप से बढ़ी है, क्योंकि एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर के दौर के बाद भारत की ताकत आईसीसी में कम हो गई थी। हालांकि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली पिछले साल तक इस समिति के सदस्य थे। वहीं अब जय शाह के एंट्री के बाद बीसीसीआई का भौकाल और बुलंद हुआ है, जिसके बाद आईसीसी ने भी जय शाह के चुने जाने के बाद बयान जारी करते हुए कहा, भारत वैश्विक क्रिकेट का व्यवसायिक केंद्र है और 70% से ज्यादा प्रायोजन इस क्षेत्र से आते हैं, इसीलिए जरूरी है कि आईसीसी की वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति की अध्यक्षता हमेशा बीसीसीआई द्वारा ही की जानी चाहिए। वहीं इसी के साथ न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए आईसीसी का चेयरमैन चुन लिया गया। अब की बार उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। फिलहाल यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जय शाह की नियुक्ति से आईसीसी इतना खुश क्यों है, तो उसका कारण है बीसीसीआई का पूरी दुनिया से पैसा कमाने का तरीका। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 2016 से 2023 के कार्यकाल के लिए आईसीसी के केंद्रीय राजस्व पूल से बीसीसीआई का हिस्सा 405 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 3336 करोड़ रुपए है। आईसीसी भारत में 2023 के आयोजन के प्रसारण राजस्व से 533.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 4400 करोड़ रुपए की उम्मीद कर रहा है। मतलब साफ है कि भारत इस वक्त क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार है, इसीलिए पूरी दुनिया की टीमें भारत से खेलने को बेताब रहती हैं। आईसीसी भी यही चाहता है कि बीसीसीआई के इस रुतबे का फायदा जरूर उठाया जाए। वहीं बीसीसीआई को भी पता है कि आईसीसी में अपना वर्चस्व कायम करके दुनिया की क्रिकेट पर और ज्यादा पकड़ मजबूत की जा सकती है। ऐसे में जय शाह का आईसीसी तक पहुंचना बीसीसीआई और भारत के नजरिए से बेहद शानदार है। खैर, जय शाह की उपलब्धि से तमाम लोग भारत में चिढ़ने वाले भी हैं, इसलिए उनके आईसीसी तक पहुंचने के बाद तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं विपक्ष तो हमेशा उन्हें टारगेट करता ही है। जैसे एक ट्विटर यूजर ने लिखा, क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है अमित शाह के बेटे की, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह बने आईसीसी की वित्तीय और वाणिज्यिक मामलों की समिति के प्रमुख। एक और यूजर ने लिखा, जय शाह होंगे आईसीसी की वित्तीय और वाणिज्यिक मामलों की समिति के प्रमुख, वाह मेरी कुर्सी मेरा विकास। एक और यूजर ने लिखा, देख रहे हो ना विनोद, इसको परिवारवाद नहीं कहते, भारतीय क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है और जय शाह का प्रमोशन। हालांकि इन सब विरोध के बीच जय शाह ने पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहरा दिया है और बीसीसीआई का भौकाल बुलंद करते हुए कमाल किया है। उम्मीद यही है कि आगे भी भारत इसी तरह से अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज कराता रहेगा।